असलकम टुडेज़ लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ आर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स और आज का हमारा एजेंडा जो है वो बहुत ही एक एक्साइटिंग टॉपिक है एटलीस्ट मेरे लिए एक्साइटिंग है एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लाइक इट दिस कंसर्नस मेमरी एलोकेशन अभी तक हम स्टेटिक मेमरी एलोकेशन करते आए हैं आज हम डायनामिक मेमरी एलोकेशन करेंगे और फिर हम दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे और फाइनली वी विल लुक एट व्हाट द कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स माइट बी व्हेन वी यूज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तो आइए लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखें अभी तक हम इन अ वे करते आए हैं कि जी वेरिएबल्स भी डिक्लेयर किए हैं एरेज भी डिक्लेयर किए हैं और जब भी उनको डिक्लेयर किया तो हमने एरेज का साइज़ प्री डिफाइन कर दिया जब हमने वो क्लास का एज का एग्जाम्पल किया था हमने कहा जी अस्यूम कर लें 100 स्टूडेंट्स होंगे क्लास के अंदर मे बी बीस थे मे बी पच्चीस थे सो यू रियलाइज दैट देर वाज अ लॉर्ड ऑफ वेस्टेड मेमोरी इन आवर प्रोग्राम बट सिंस आवर कंप्यूटर्स आर प्रटी बिग प्रटी फास्ट लॉट्स ऑफ रैम विद इन रियली वरी अबाउट इट वेन आर प्रोग्राम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड दे स्टार्ट यूजिंग मोर रिसोर्स देन इट बिकम इम्पॉर्टेंट टू ट्राई टू मिनिमाइज द मेमरी यूजेज एंड यूज ओनली एज मच एज वी नीड दिस इज़ वेयर डनामिक मेमरी एलोकेशन कम्स इन, सो स्टैटिक मेमरी एलोकेशन जो थी जब भी हमने कहा इंट आई जे के उसने तीन इंटजर्स के लिए मेमरी में जगह सेव कर दी जहाँ पे हमने कहा चार एस ट्वेंटी तो उसने ट्वेंटी कैरेक्टर्स के लिए मेमरी में जगह एलोकेट कर दी ये सारी जो है ये स्टैटिक एलोकेशन है इसको हम कंपाइल टाइम एलोकेशन भी कह सकते हैं यानी इट इज़ डिफाइंड एट द टाइम वेन वी रोट द प्रोग्राम कि ये मेमोरी कितनी इस्तेमाल करेगा वॉट कैन वी डू अबाउट डायनेमिक मेमरी एलोकेशन वेनवर वी डू नॉट नो इन एडवांस हाउ मच मेमरी वुड बी रिक्वायर्ड वी वुड वॉन्ट टू यूज़ डायनेमिक मेमरी एलोकेशन एंड अगेन जो प्रॉब्लम हमने पहले टैकल किया था क्लास का उसके अंदर वॉट इफ़ हम प्रोग्राम शुरू करते ही पूछ लेते कि जी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जितने स्टूडेंट्स आप बताएं उतनों के लिए हम मेमरी जो है वो एलोकेट करें इज़ देर अ पॉसिबिलिटी ऑफ डोइंग सो आंसर इज ऑब्वियसली येस एंड वी वॉन्ट टू लुक एट वॉट आर द वेरियस फंक्शन वी कैन कॉल टू एलोकेट मेमरी डायनामिकली सी जो है वो हमें तीन चार फंक्शंस देती है टू मैनिपुलेट दिस मेमरी पहली चीज़ थोड़े से डायग्रेस करके हम बात करते चलें कि ये मेमरी आती कहाँ से है पिछली दफ़ा भी मैंने मेंशन किया कि हमारे सारे प्रोग्राम्स जो हैं ये असेंशली स्टैक पे चल रहे होते हैं लेकिन दर इज़ अनदर पार्ट ऑफ मेमोरी जिसको हम हीप कहते हैं एच ई पी हीप ढेर सो सिंपल एक मेमोरी का ढेर भी साइड पे पड़ा हुआ है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है इस ढेर में से मेमरी लेती है लेकिन याद रहे कि जी जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर के ऊपर मुख्तफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो इस हीप में से मेमरी अपने अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं Lehaza, the heap is constantly changing in size and maybe windows itself is using some memory you've got a word processor running that is using some memory wo allocate ho chuki heap the hamare program ko available or program you had your dynamically memory allocate carrega heap se let us look at what is the first function we can use to allocate memory from the heap बिफोर वी स्टार्ट एलोकेटिंग मेमरी वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट और यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट पॉइंटर्स के जो कि फिर वापस लाने हैं जब हम कोई भी मेमरी एलोकेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट देखिए जब हम इंट आई कहते थे तो एक मेमरी लोकेशन रिजर्व हो जाती थी तो उसका लेबल लग जाता था और आई का लेबल हम इस्तेमाल करते थे अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जी मेमरी चलते हुए प्रोग्राम में से एलोकेट की जाएगी लिहाजा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटर्मिन अप्रंट कि ये एरे है या इंटेजर है या दस इंटेजर्स हैं या कितनी जगह है लिहाजा वी हैव टू वर्क विद पॉइंटर्स वेन वी एलोकेट एनी मेमोरी फ्रॉम द हीप एसेंशियली हमें उस मेमोरी ब्लॉक की जो स्टार्टिंग पोजिशन है उसकी वैल्यू रिटर्न होती है एज एन एड्रेस डैट एड्रेस वी नॉर्मली कीप इन अ पॉइंटर और फिर उस पॉइंटर की मदद से हम उस मेमोरी को मैनिपुलेट करते हैं टू कंप्लीट द पिक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जी पॉइंटर की एक नई किस्म जो है वो हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है वो किस्म है वॉइड पॉइंटर की अभी तक जो हम पॉइंटर्स इस्तेमाल करते आए हैं वो था इंट स्टार आई बिच मीन आई इज़ अ पॉइंटर टू इंटेजर सो इसको ऑटोमेटिकली पता है कि जी इतनी जगह एक इंटेजर लेता है मेमोरी में और उसके स्टार्टिंग जो एड्रेस है वो i के अंदर पड़ा हुआ है इन दिस केस वेयर i इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर सेम थिंग अप्लाइज व्हेन वी से चार पॉइंटर s चार स्टार s दैट मींस s इज़ नाउ अ पॉइंटर टू अ डेटा टाइप ऑफ टाइप कैरेक्टर लिहाजा अगर कैरेक्टर एक बाइट लेता है मेमोरी में, में तो s उस तरह से मैनिपुलेट करेगा उस मेमोरी को और उसका स्टार्टिंग एड्रेस s में हमने रखा होगा सो एवरी पॉइंटर दैट वी हैव यूज्ड सो फार पॉइंटेड टू अ स्पेसिफिक डेटा टाइप ये जो हमारे फंक्शनस हैं मेमरी एलोकेशन के जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तो हमें एक हीप में से एक चंक ऑफ मेमरी दे देते हैं वो चंक ऑफ़ मेमरी जो है उसको नहीं पता कि वो इंटिजर्स के लिए इस्तेमाल होगी या कैरेक्टर्स के लिए होगी या फ्लोट्स के लिए होगी या डबल्स के लिए होगी या किसी स्ट्रक्चर के लिए होगी वो भी हो सकता है लिहाजा वो जो पॉइंटर रिटर्न होगा वो किस किस्म का हो वो पॉइंटर जो है वो होता है वॉइड पॉइंटर सो वी ओ आई डी फिर स्टार के साथ जो भी पॉइंटर का वेरिएबल नेम आपने रखना है वो रखें वॉइड पॉइंटर जो है वो एक खास किस्म का पॉइंटर है लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले वी हैव टू कास्ट इट जैसे कहते हैं ना जैसे हम एक ईंट का सांचा बना के उसके अंदर सीमेंट या कुछ डालते हैं कास्टिंग करते हैं या लोहे की कास्टिंग करते हैं इसी तरीके से एक वॉइड पॉइंटर को भी हमें किसी सांचे में डालना पड़ता है ताकि उसकी कास्टिंग हो सके और वो एक ओरिजिनल जो डिफाइंड डेटा टाइप है उस तरह का पॉइंटर बन सके कास्टिंग के लिए जो सी में ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो स्टैंडर्ड कास्ट ऑपरेटर है विच मीन्स पैरेंथिस के अंदर सिंपल उसका नाम दे दिया जाता है सो so, अगर मेरे पास एक पॉइंटर है कॉल्ड पी एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ वॉइड पॉइंटर सो इन आ प्रोग्राम वी हैव रिटन पी टी आर जब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ टू पॉइंट टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स सो फर्स्ट आई कास्ट इट विच मीन्स आई कन्वर्ट इट टू अ टाइप ऑफ पॉइंटर टू एन इंटीजर और उसको करने का सिंटेक्स जो है क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड परेंथीसीज में हम लिखते हैं इंट स्टार अब ये दोनों चीज़ें पैरेंथीसीज के अंदर आ गई पैरथीसीज बंद करने के बाद हम लिखते हैं पी टी आर अब ये समझ लें ये सांचे की किस्म है पी टी आर वॉज अ वॉइड पॉइंटर उसके सामने हमने सांचा रखा द कास्ट रखी एंड द रिज़ल्ट ऑफ द कास्ट पी टी आर इज़ नाउ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर दिस यू शुड अंडरस्टैंड इंट की जगह पे मैं चार लिख दूँ मैं डबल लिख दूँ मैं फ्लोट लिख दूँ इट कॉन्वर्ट्स पी टी आर टू अ पॉइंटर ऑफ द स्पेसिफिक टाइप सो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल वेन वी वर्क विद आर मेमरी एलोकेशन फंक्शन वो जेनेरिक हैं यानी वो एक चंक ऑफ मेमरी उन्होंने दे दिया और उसके साथ एक वर्ड पॉइंटर हमें रिटर्न कर दिया जब उस मेमोरी में हम एक ख़ास डेटा रखना चाहते हैं तो पहले पॉइंटर को कास्ट करेंगे और फिर उसको इस्तेमाल करेंगे इट इज़ एन एरर इन दिस आई वुड स्ट्रेस वेरी स्ट्रांगली इट इज़ एन एरर टू ट्राई एंड यूज़ द वर्ड पॉइंटर एंड डी यू यूनि कहीं पर आप स्टार पी टी आर वैसे ही अगर लिख दें और इस्तेमाल करना चाहें किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो वो एक एरर होगा सो यू हैव टू कास्ट

Actually it is nothing fancy, it is all zeros. So a null pointer is a special type of pointer whose value is all zeros. All zeros is an invalid memory address. We cannot use it to store things or read things from it. So it is a good way of checking that the pointer is pointing to a valid place or it is null. Let us understand, integer we initialize an integer, we say either it is zero or it a valid value. इसी तरीके से जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो या वो किसी वैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और या वो उसकी वैल्यू नल है ये बातें करके लेट्स गो ऑन एंड लुक एट आर फर्स्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन ये फंक्शन है कैलोक सी एलॉक सो सी ए एल एल ओ सी कैलॉक फंक्शन जो है इसको दो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं पहला जो है वो कहता है कितनी जगह चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर और दूसरा आर्गमेंट जो है वो कहता है किस साइज़ की जगह चाहिए सो वी कैन टेल इट आई नीड एन एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटिजर सो नॉर्मली आपने एक देखा होगा हमने पहले एक फंक्शन इस्तेमाल भी किया था साइज ऑफ ऑपरेटर इस्तेमाल किया था साइज ऑफ इज़ यूजफुल इन दीज केसिज़ वेन यू वॉन्ट टू राइट कोड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर मशीन दैट वी आर रनिंग ऑन सो इफ आवर टू सेलॉक सी एलॉक और फिर परंथीसीज के अंदर वन थाउजेंड कॉमा साइज ऑफ इंट वॉट इट विल डू इज इट विल रिटर्न अ मेमरी चंक फ्राम द हीप ऑफ वन थाउजेंड इंटेजर्स मुझे नहीं पता कि इंटेजर चार बाइट्स का है या मेरी मशीन पर आठ बाइट्स का है जितने का भी होगा वो ऑटोमेटिक काेक्ट साइज चंक होगा इमीजिएटली आप पूछना चाहेंगे कि जी अगर वो चंक इतना बड़ा हो ही ना जितना हम चाह रहे हैं फिर क्या होगा वेल well, ऑब्वियसली पहली बात के जी वो जो ढेर है हमारा हीप मेमरी जो है इट बेटर हैव एन फ्री मेमरी अवेलेबल नंबर दो वो फ्री मेमरी जो है वो टुकड़ों में बटी हुई नहीं हो सकती वो इस वास्ते कि जब हमें वापस मिलेगा वो पॉइंटर मिलेगा टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चंक ऑफ मेमरी दैट वी हैव एलोकेटेड अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है तो दैट मीन्स कि बाकी सारी मेमोरी इन सीक्वेंस पड़ी हुई है इट इज़ वन ब्लॉक एंड टू एंड उसके दरमियान में गैप्स और होल्स नहीं हो सकते ये तीन टुकड़ों में वापस नहीं आ सकती सो वॉट हैपन्स वेन ईदर वी आस्क फॉर टू मच मेमरी एंड देर इज इंट एनाफ ऑन द हीप और वी आस्क फॉर मेमरी विच इज़ अवेलेबल ऑन द हीप बट इट इज़ नॉट अवेलेबल एज अ सिंगल चंक दैन द कॉल टू सी एलॉक विल फेल वेन द कॉल टू एनी ऑफ दिज मेमरी एलोकेशन फंक्शंस फेल्स इट रिटर्न अ नल पॉइंटर सो जो वापस आती है वैल्यू वो नल होती है ना दिस इज़ क्रूशल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टेंड कि जब भी हम मेमरी एलोकेशन फंक्शन कॉल करें सो so सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए उसके बाद वह चेक करें कि जो वापस वैल्यू आई है पॉइंटर की वो नल तो नहीं है अगर वो नल नहीं है तो आपको वो मेमरी मिल गई है अगर वो नल है

आगे मैं कैलॉक की कॉल लिख देता हूँ सी एल ओ सी और फिर आगे 1000 थाउजेंड या जो भी मुझे चाहिए एन चाहिए एट्सेट्रा इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आप देख रहे होंगे आपके हैंड में भी दी हुई है जहाँ पे हमने साइज़ टी इस्तेमाल किया है और वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल किए हैं साइज टी एज यू रिमेंबर इज़ अ डेटा टाइप दैट इज़ लार्ज अनफ टू होल्ड द बिगेस्ट होल नंबर दैट योर कंप्यूटर कैन सपोर्ट सो नॉर्मली ये लॉन्ग के बराबर होती है कैलॉग का एक और फ़ायदा भी है कि जब भी आप कैलॉग से मेमोरी एलोकेट करते हैं वो मेमोरी ऑटोमेटिकली इज़ इनिशलाइज टू ऑल जीरोस। इन अदर वर्ड्स इट इज़ सेट टू ज़ीरो हीप से जो भी चीज़ उठाते हैं उसको सब जीरोस लिख के फिर उसके स्टार्टिंग पॉइंट का एड्रेस जो है आपको पॉइंटर में अवेलेबल हो जाता है और याद रहे ये होता है वॉइड पॉइंटर और इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको कास्ट करना पड़ेगा कई दफ़ा हम ये करते हैं कि जी हम एक अलहदा से नॉर्मल यूजेज जो है अगर से मैंने इंटीजर्स के लिए इस्तेमाल करना है इस मेमोरी को तो पहले तो मैं एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर लूँगा अपने प्रोग्राम में मैं कहूँगा इंट स्टार आई पी टी आर सो आई पी टी आर इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर उसके बाद मैं जब कैलॉग के साथ मेमोरी एलोकेट करने जाऊँगा तो मैं लेफ़्ट साइड पर लिख दूँगा आई पी टी आर इज़ इक्वल टू राइट साइड पे मैं कास्ट ऑपरेटर लिखूंगा सो इंट स्टार विद इन परसिस विच मीन्स कास्टेड टू अ टाइप ऑफ पॉइंटर टू एन इंटेजर उसके बाद कैलॉग की कॉल जाएगी और जो भी आएगा वो आई के अंदर एड्रेस आ जाएगा अब आई पी टी आर सिंस इट्स अ पॉइंटर टू एन इंटेजर आई कैन यूज इट टू मैनिपुलेट ऑल द इंटेजर्स आई वॉन्ट इन दैट मेमरी स्पेस वन थिंग इंपॉर्टेंट एंड आल रिपीट इट अगेन इमीजिएटली नेक्स्ट लाइन आफ्टर दिस शुड बी इफ आई पी टी आर इज़ इक्वल टू नल और डबल इक्वल टू इस्तेमाल करके तो फिर कोई एग्जिट करें या जो भी एरर हैंडलिंग करनी है वो की जाए यानी सबसे पहला काम जो है आफ्टर द मेमरी एलोकेशन हैज़ हैपनड इज़ टू चेक दैट यू डोंट हैव अ नल पॉइंटर इफ़ यू हैव देन योर लॉजिक शुड हैंडल शुड हैंडल इट एंड यू मस्ट अलाउ फॉर अ डिसेंट वे ऑफ एस्केपिंग यानी द प्रोग्राम शुड नॉट क्रैश ठीक है ना यू शुड एग्जिट ग्रेसफुली सो डो डू अल चेक इमीजिएटली आफ्टर मेमरी एलोकेशन लेट्स गो टू दैक्स्ट वे ऑफ एलोकेटिंग मेमरी इसी का रिश्तेदार है फर्स्ट कज़न है विच इज़ कॉल्ड एम एलॉक सी एलोक जो था उसको हमने कहा था इतने एलिमेंट्स चाहिए और इस साइज़ के चाहिए एम एलोक इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देता है और उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ हम बताते हैं कि जी कितनी बाइट चाहिए सीधा सीधा सो मैनी बाइट्स आर नीडेड एंड द सेम थिंग इट रिटर्न अवॉइड पॉइंटर टू द एलोकेटड चंक ऑफ मेमरी विच इज़ ऑप्टेंड फ्राम द हीप इफ़ दैट मेमरी इज़ अवेलेबल इफ़ द मेमरी इज़ नॉट अवेलेबल और इज फ्रैगमेंटेड टूटी हुई है तो फिर वो एलोकेट नहीं कर पाएगा जगह को और वो नल पॉइंटर को रिटर्न करेगा यहाँ पर भी एम एलॉक को इस्तेमाल करते हुए नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर को तो हमारी कॉल जो होती है वो यूजली होती है एम ए लॉक फिर पैरेंथिस के अंदर 1000 अगर मुझे 1000 थाउजेंड चाहिए मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट बिकॉज साइज ऑफ इंट विल रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स दैट एन इंटीजर ऑक्यूपाइज इन मेमोरी सो इफ आई नीड स्पेस फॉर 1000 थाउजेंड आई नीड वन थाउजेंड टाइम्स एंड दैट इज़ वॉट आई सेंड टू मैलॉक इफ आई वॉन्ट अरेक्टर आई विल से वन थाउजेंड टाइम्स साइज ऑफ चार इसी तरह डबल इसी तरह फ्लोट वन थाउजेंड की जगह पे आई कैन से एन सो आई वुड से malloc एन टाइम्स साइज ऑफ फ्लोट वेर एन कोई वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू पड़ी हुई है जितनी एलिमेंट्स मुझे चाहिए एक पिछले लेक्चर से मैं हवाला देता चलूँ देखें वहाँ पर हमने शार्प डिफाइन जो था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वो इस्तेमाल किया था Another good गुड थिंग फॉर यूजिंग और रीजन फॉर यूजिंग शार्प डिफाइन to टू डिफाइन द साइज ऑफ एन एरे रिमेंबर कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू देनी होती है वो वैल्यू जो है इट मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट इट कैन नॉट बी अ वेरिएबल सो शार्प डिफाइन जो था हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे ताकि कोई सिंबॉलिक नेम अटैच हो जाए मैक्स स्टूडेंट्स 100 और फिर नीचे एरे डिक्लेयर करें तो वी कैन से इंट स्टूडेंट्स मैक्स स्टूडेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दे दिया वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन आज हम बात कर रहे हैं डायनेमिक की तो अब इसको कैसे हैंडल करें इस वक्त हम क्या करते हैं कि जी अब इफ़ यू गो बैक टू योर एज प्रोग्राम नाउ द प्रोग्राम शुड इनिशियली फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू वॉन्ट टू वर्क विद लेट टेक द लेट्स डिफाइन द प्रॉब्लम अगेन आई सेड फाइंड द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास ओके और एवरेज एज जो है वो हम लिखें अब इस दफ़ा सिंस वी नाउ हैव द टूल्स हम कहते हैं कि सिर्फ एवरेज एज नहीं बताओ मुझे ये भी स्क्रीन पे लिख के बताओ कि जी हर स्टूडेंट की एज कितनी है कितने स्टूडेंट्स हैं और फिर उनकी एवरेज एज क्या निकली है इसके लिए अब डायनामिक मेमोरी एलोकेट एलोकेशन के साथ हम इस तरह से कुछ लिखेंगे प्रोग्राम कि सबसे पहले तो आप पूछें कि जी कितने स्टूडेंट्स हैं सो so यूज़र जो है एंटर करता है 24 या 33 और वॉट एवर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो एक वेरिएबल में चले गए लेट्स कॉल द वेरिएबल वेरिएबल नम स्ट्स एज को हम कहेंगे विल बी इंटीजर सो होल नंबर में हम एज लेंगे हम नहीं कहेंगे कि जी उसकी उम्र जो है वो साढ़े बाईस साल है हम कहेंगे इज एज इज ट्वेंटी टू ईयर्स और वॉट एवर अब मुझे एक मेमोरी एरिया चाहिए जहाँ पे नम स्टर्ड जितने इंटीजर्स में स्टोर कर सकूँ सो so उसके लिए ना वीर नॉट गोइंग टू यूज अरेज वी यूज़ अ पॉइंटर टू अ मेमरी एरिया वेयर मैनी इंटीजर्स आर स्टोर्ड सो वी डिक्लेयर अ पॉइंटर टू एन इंटीजर दस कॉल इट आई पी टी आर नाओ वी पुट इन अ कॉल टू इधर कैलॉक और मैलॉक बोथ आर वैलिड सो आई पी टी आर विल बी इक्वल टू मैलॉक अब यहाँ पर विद इन पैरथीसिस में लिखूँगा नम स्ट्स सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो भी हमने वेरिएबल नेम इस्तेमाल किया था टाइम्स स्टार और आगे लिख देता हूँ साइज ऑफ इंट उसके बाद एज पर द रूल आई इमीजिएटली चेक कीजिए आई पी टी आर में नल आया कि नहीं आया अगर तो नल नहीं आया इट मीनस कि जी मुझे जगह मिल गई है अब मैं आपसे कहता हूँ लूप चला लें और वो स्टूडेंट्स की एजेस जो है पढ़ते जाएं और इस जगह पे मेमोरी के अंदर लिखते जाएं कैसे लिखेंगे वो याद होगा आपको पॉइंटर अरिथमेटिक वाला जो था हमारे पास लेक्चर कि ये पॉइंटर जो है इसको आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं कि बेहतर ये है कि आप एक सेकेंड पॉइंटर इस्तेमाल कर लें ताकि बिगनिंग लोकेशन जो है वो आपके पास कायम रहे सेकेंड पॉइंटर ले लें लेट से एस पी टी आर ऑल्सो पॉइंटर टू इंटीजर एंड वी से एस पी टी आर इज इक्वल टू आई पी टी आर तो जो भी आई पी टी आर की वैल्यू थी वो हमने एस पी टी आर में रख ली नाव इट पॉइंट टू द फर्स्ट इंटेजर इन दिस एरे ऑफ थर्टी थ्री और वट एवर नम स्टार दैट वी यूज एंड नाव वी कैन इंक्रीमेंट एस पी टी आर एंड राइट वैल्यूज दैट द यूजर एंटर द की बोर्ड इन टू दिस मेमरी और फिर उसके बाद नॉर्मल हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा लें सिंपली बाय इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर एंड देन इवेंचुअली आल्सो टेक द एवरेज एंड प्रिंटेड आउट फ़ायदा क्या हुआ कोई मेमोरी वेस्ट नहीं हुई हमने ये नहीं किया कि जी पहले सौ स्टूडेंट्स के लिए एरे डिक्लेयर करो फिर उसमें से चौबीस जगह जो है न, वो इस्तेमाल करो हमने एग्जैक्टली exactly उतनी मेमरी इस्तेमाल की जितनी हमें चाहिए थी कोई कॉस्ट है ऑलवेज द इज अ कॉस्ट यू नो वेवर यू गेट अ बेनिफिट दे इज ऑलवेज अ कॉस्ट कोई चीज़ पे करनी पड़ती है इन द केस ऑफ मेमरी एलोकेशन द कॉस्ट कम्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट आपको खुद अब मेमरी को मैनेज करना पड़ता है क्या मतलब है मैनेजमेंट का कभी ही पड़ी हुई थी वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रही थी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे था जहाँ पे स्टैटिक मेमोरी हमने डिफाइन की हुई है इतने पॉइंटर्स हैं इतने वेरिएबल्स हैं वो सब स्टैटिक हैं अब चलते चलते प्रोग्राम में से हमने सडली हीप में से एक चंक उठा लिया मेमोरी का अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो या वो मेमोरी जो हमने हीप से एलोकेट की थी उसकी हमें अब ज़रूरत ना हो तो इसको फ्री कर दें उसको वापस हीप में डाल दें वो इस वास्ते ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरे प्रोग्राम्स या हमारा ही प्रोग्राम उसको फिर से इस्तेमाल कर सके जितनी देर तक हमने वो मेमोरी एलोकेट की हुई है That memory is not available for use by any other program. So it is now our management responsibility to free the memory when we are done with it. So how do we do that? Very logical, very easy. We use the keyword called free F R E E. Or free ko ek key argument diya jata hai wo, wo pointer hai jiske se humne memory allocate ki. Thi. So we just say free IPTR. और वो मेमोरी जो हमने कैलॉक या मैलॉक से एलोकेट की थी वो फ्री होके वापस हीप पे चली जाती है बट रिमेंबर एंड आई विल आई कॉन्ट स्ट्रेस दिस एनफ इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन एवर वी हैव अ मैलॉक और अ कैलॉक कॉल विच मीन्स वी हैव एलोकेटेड मेमरी फ्राम द हीप एज प्रोग्रामर्स इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फ्री द मेमरी वेन वी आर डन विद इट ये एंड पे जाके मैं डिस्कस करूँगा एक कॉमन प्रोग्रामिंग एरर्स के अंदर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आप कह लें इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस जिसके लिए एक पूरी मूवमेंट चल पड़ी कि जी पॉइंटर्स बुरी चीज़ हैं इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये बड़ी सारी हेडेक्स पैदा करते हैं इट इज़ ट्रू बिकॉज इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इवन लाइक योर ऑपरेटिंग सिस्टम इट सेल्फ यू हैव वॉट वी कॉल मेमरी लीक्स बट आई विल कम टू द मेमरी लीक्स्यू मिनट्स वी हैव लुकड कैलॉक एंड वीव लुकड मै लॉक एंड देन वी हैव सेड कि जी देर इज अ की वर्ड और अ फंक्शन कॉल कॉल्ड फ्री देट रिटर्न दिस एलोकेटड मेमरी बैक टू द हीप वॉट हैपन्स अगर हमारे पास वही स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्पल लेके हमने कहा कितने स्टूडेंट्स हैं चौबीस और प्रोग्राम चला दिया हम बाईसवें की अभी एज इनपुट कर रहे थे तो पच्चीसवा स्टूडेंट जो है दरवाजे से दाखिल हो गया इन अदर वर्ड्स इज़ देर अ वे दैट वंस वी हैव एलोकेटेड अ सर्टन चंक ऑफ मेमरी कैन वी इनक्रीज इट साइज उसी चंक को हम बड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऑबियसली आई वी आस्किंग दिस क्वेश्चन इफ द आंसर वॉज नो येस देर इज अ वे और उसके लिए जो फंक्शन हम कॉल करते हैं वो है री एलोक सो री एलोकेशन ऑफ मेमरी री एलोकेशन ऑफ मेमरी जो है उसको दो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं पहला वो पॉइंटर जो कि ओरिजिनल मेमोरी को पॉइंट कर रहा था सो so, हमने कैलॉक या मेलॉक से एक चंक लिया हीप में से उसको पॉइंट कर रहा है लेथसे आई अब री एलॉक को हमने कहा आई पास करो और इसकी जो भी साइज था उसकी जगह पे इसका नया साइज दे दो सो so, अगर पहले हमने 20 इंटीजर्स रखे हुए थे अब हम इसको कहते हैं 100 हंड्रेड हमें एलोकेट कर दो इफ री एलॉक सक्सीड्स

सो so, उसने उसी जगह को एक्सपेंड कर दिया आई की वैल्यू वो ही रही जो पहले हमें मिली थी इन अदर वर्ड स्टिल पॉइंट्स टू द स्टार्टिंग लोकेशन बट नाउ द लोकेशन आर नॉट जस्ट 20 दे आर 100 हंड्रेड सो दैट इज़ वन वे दैट री कैन वर्क वी डू नॉट नो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क देर इज एन अदर वे सपोज जब हमने 20 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट की उसमें आगे वाली मेमोरी कहीं और एलोकेट हो गई या कोई और प्रोग्राम चल पड़ा कंप्यूटर पे जिसने वो मेमोरी इस्तेमाल कर ली अब जब मैं कहता हूँ कि जी 20 से इसको एक्सपेंड करके 100 पे ले जाओ तो आगे उसको जगह नहीं मिलती वहाँ ब्रेक लगी हुई है दीवार खड़ी है अब वहाँ से आगे मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता सो वॉट डज़ इट डू नाउ इट गोज़ बैक टू द हीप एंड लुक्स फ़ॉर मोर मेमरी एंड वॉट इज़ लुकिंग फॉर आई मैं अर्लियर इट्स लुकिंग फॉर वन कंटिग्यूअस ब्लॉक ऑफ वन हंड्रेड लोकेशन फॉर इंटिजर्स कंटिग्यूस होना लाजमी है सो इट गोज़ बैक टू द हीप एंड सेज के जी सौ इंटिजर्स की कहीं पे भी कोई जगह बनती है कि नहीं बनती अगर बनती है तो रीअलॉक वो वाली जगह एलोकेट करेगा जो पहली बीस हमारे पास पोजिशन थी इनकी वैल्यूज उसमें कॉपी कर देगा बाकी जगह हमें फ़ारिग करके आई पी टी आर को अब पॉइंट करा देगा नई जगह पर सो आई पी टी आर की वैल्यू बदल गई है इट नाउ पॉइंट्स टू अ न्यू मेमरी लोकेशन

But it found enough space elsewhere, so now it reallocates the new space, copies the original values into this space, frees the originally allocated memory, and returns a pointer to the starting point of the new block. Very nice. Now, what that means is, ke in a way, we are dynamic arrays. Handle kar rahe hai. Array can be big; you can as Downside? What is Very tricky downside. इसके अंदर ख़तरा ये है कि सपोज़ वो जो आई पी टी आर की पहली वैल्यू थी वो हमने किसी और पॉइंटर में भी डाली हो और उसके बाद उस पॉइंटर से भी हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं और आई पी टी आर से भी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं दरमियान में जाके हमने री एलॉक कॉल कर लिया कि जी बीस की बजाय सौ जगह दे दें री एलॉक ने वो जगह एक्सपेंड नहीं कर पाया उसने नई जगह वापस ला के आपको दे दी आई पी टी आर तो वैलिड है वो उसी जगह को पॉइंट कर रहा है और आपका काम चल रहेगा लेकिन अभी मैंने मेंशन किया था कि जी स्टेप करने के लिए शायद हमने एक और पॉइंटर भी डिफाइन किया हुआ जिसमें ऊपर हमने कह दिया था एस पी टी आर इक्वल टू आई पी टी आर उसकी वैल्यू उसमें रख ली थी और मैनिपुलेट कर रहे थे रीअलॉक के बाद एस पी टी आर नाव पॉइंट टू इन वैलिड लोकेशन इट पॉइंट्स टू मेमरी विच इज़ नाउ फ्रीड वो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो किसी और प्रोग्राम का हिस्सा है अब अगर उस पुराने वाले पॉइंटर के साथ आप उस मेमरी को मैनिपुलेट करते हैं आप जाके उसमें कोई पच्चीसवें स्टूडेंट की एज लिख देते हैं ओ बॉय वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग्स कैन हैपन द कंप्यूटर में हॉल्ट समबॉडी एल्स प्रोग्राम में क्रैश योर ओन प्रोग्राम में क्रैश वी डोंट नो वॉट हैपन बट द पॉइंट इज इट अगेन बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर आफ्टर री एलॉक कि अगर री एलॉक का जो ओरिजिनल पॉइंटर था उसकी वैल्यू कहीं और भी सेव हुई हुई थी किसी और पॉइंटर में भी थी या कई पॉइंटर्स में थी तो वो तमाम पॉइंटर लिस्ट को अपडेट किया जाए एंड एज आई सेड विद ऑल ऑफ दिस मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ चेक फॉर नल नल तो नहीं आया विच मीन्स रीअलॉक डिड नॉट वर्क ना वो इस तरह से बड़ा कर सका है ना वो कोई और मेमोरी लोकेशन हासिल कर सका है मेमोरी थी ही नहीं हीप के ऊपर सो नल शुड बी चेक फर्स्ट एंड वंस यू हैव चेक नल देन यू गो ऑन एंड मेक श्योर दैट इफ़ देर आर एनी अदर पॉइंटर्स Which were referencing the same area, they are also updated. So, be careful with that. You will have noticed mm -hmm. that the power from mm -hmm. memory allocation These real, and now we would probably want to talk about what are the common programming errors that can happen with this memory allocation. Calloc, malloc, realloc, and then free. ये हमने चार मेमोरी मैनिपुलेशन फंक्शंस कवर किए प्रॉब्लम क्या आता है पहला प्रॉब्लम जो है वो है अनरेफरेंस्ड मेमोरी का हमने हीप से मेमोरी एलोकेट की एक पॉइंटर है हमारे पास वो उसको पॉइंट कर रहा है और किसी वजह से वो वजह भी मैं बताता हूँ किसी वजह से ये पॉइंटर जो है ये मर गया इन अदर वर्ड्स इट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर इन आर प्रोग्राम वॉट हैपन्स टू द मेमरी दैट वी हैड एलोकेटेड देट चंक ऑफ मेमरी इज़ नाउ अनेफ्रेंसड उसको कोई चीज़ भी पॉइंट नहीं कर रही अगर वो पॉइंट नहीं कर रही तो हमारा प्रोग्राम तो सर्टली उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता और अगर हमारा प्रोग्राम नहीं कर सकता तो कोई और भी नहीं कर सकता ये मेमरी ज़ाया हो गई इनवर्स कंप्यूटर की ओवरऑल हीप जो है वो छोटी होती जा रही है और अगर यही काम जो है यानी मेमरी एलोकेट की और पॉइंटर को ख़त्म कर दिया मर गया किसी तरीके से और ये काम हमने रिपीट किया तो वो हीप जो है वो छोटी पहाड़ से पहाड़ी पहाड़ी से एक छोटा सा ढेर और ढेर से बिल्कुल ख़त्म ज़ीरो हो जाएगी वॉट हैपन्स वेन यू हैव ज़ीरो मेमरी ऑन द हीप योर कंप्यूटर नॉर्मली स्टॉप्स रनिंग सो यू हैव अ सिस्टम क्रैश दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेमरी लीक क्यों मेमरी लीक कर रही है वो जो पहाड़ था वो लीक कर कर क्या आहिस्ता 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 ज़ीरो हो गया एंड द प्रॉब्लम विद मेमरी लीक्स इज़ के जी शायद वो आप प्रोग्राम लिखें चलाएँ प्रोग्राम फर्स्ट क्लास चले और प्रोग्राम ख़त्म हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेमोरी लीक हो गई है हुआ क्या कि इधर हमारे पास 128 मेगाबाइट मेमोरी पड़ी हुई थी उसमें से हमने कोई 64 के मेमोरी जो है ना वो हासिल की और बग़ैर उसको फ्री किए हुए प्रोग्राम मर गया या पॉइंटर ख़त्म हो गया वो मेमोरी वैसे की वैसे एलोकेटेड पड़ी रही वन ट्वेंटी मेगाबाइट्स में से सिक्सटी के निकल गया सो वॉट्स द बिग डील वेल The big deal comes when that 64K allocation happens inside a loop which runs 10,000 times. Suddenly that 64K becomes 64K times 10,000 and that amount of memory is taken from the heap or ho sakta hai ki wo wali ke wo 10,000th loop suddenly the program stops working. Surprise! Yet program kal bilkul theek chal raha tha aaj आज इस वास्ते नहीं चल रहा कि आप वो लूप काउंटर इतना आगे तक गया है कि जी हीप खत्म हो गई आपकी एलोकेशन नहीं हो सकती सेम थिंग थिंगपन्स टू अदर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द मशीन द होल सिस्टम कैन लॉक अप सो मेमरी लीक इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड इफ़ यू नो सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ़ दिज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके पीसीज पर भी चल रहे हैं इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी ये बग जो है ये बहुत कॉमन था और यही होता था कि जी चल रहा है सिस्टम चार घंटे इस्तेमाल किया पाँचवें घंटे आके सिस्टम हॉल्ट कर गया फिर उसको रीबूट करें तो जब अब रीबूट करते हैं तो मेमोरी सारी बैक टू नॉर्मल होगी वापस हीप जो है ना वो जिंदा होकर वापस मिल गई लोगों को समझ नहीं आती थी हो क्या रहा है टिल बी केम आउट विद सम वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड डी बर्गिंग टेक्निक्स विच सेज वेर इज़ दिस मेमरी गोइंग और वह आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जी हीप जो है ना वो एलोकेट होती जा रही है फ्री हो नहीं रही मेमरी इज़ लीकिंग आउट इट इज़ नो लॉगर यूज हाउ ड हाउ डज इट हैपन एंड वॉट कैन वी डू टू प्रिवेंट इट नाउ द वे एक सिंपल मैं आपको तरीका बताता हूँ हाउ मेमरी लीव कैन हैपन सपोज हमारा मेन प्रोग्राम जो है एक फंक्शन को कॉल करे फंक्शन के अंदर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जैसे पी टी आर इज अ पॉइंटर टू एन इंटेजर एंड इट इज डिक्लेयर्ड इन साइड द फंक्शन फिर उसी फंक्शन के अंदर हमने एम एलॉक कॉल किया या सी एलॉक कॉल किया और कुछ मेमोरी एलोकेट की एलोकेट करके उस उस को हमने इस्तेमाल किया और बगैर फ्री किए हुए हम फंक्शन से वापस मेन प्रोग्राम में चले गए वॉट हैपन टू पी टी आर एंड दिस क्वेश्चन इज अ जनरल वन वॉट हैपन्स टू ऑल वेरिएबल्स विच आर लोकल टू द फंक्शन बाय नाओ यू शुड नो when the फंक्शन is कॉल्ड उसके लोकल वेरिएबल्स उस वक्त क्रिएट होते हैं उनकी स्कोप फंक्शन स्कोप है और जब हम फंक्शन से एग्जिट करते हैं वो वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सो फार सो गुड बट द प्रॉब्लम यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेट कर रहा है वो ये है कि ptr वाज़ आर अ पॉइंटर वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल के ज़रिए हमने कैलॉक या मे इस्तेमाल करते हुए कुछ हीप से मेमोरी उठा के एलोकेट कर ली अब जब फंक्शन एग्जिट करेगा तो एलोकेटेड मेमोरी को कुछ नहीं होता बट पी वेरिएबल जो था इट्स स्टॉप्स एग्जिस्टिंग इट्स सीजेस टू एग्जिस्ट इट इज़ नो लॉन्गर देयर बिकॉज द फंक्शन इज़ नो लॉन्गर देयर विच मीन्स वो जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी वो अब अनरेफरेंस्ड मेमोरी है इट हैज़ लीकड दिस इज़ अ मेमोरी लीक अब समझ लें कि जी मेन के अंदर वही फंक्शन कॉल हो रही है बार 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 हो रही है बार बार ये चंक एलोकेट होते जाएंगे और ज़ाया होते जाएंगे दे विल नेवर बी रिटर्न टू द हीप सो एज़ प्रोग्रामर्स इट इज़ आर रिस्पॉन्सबिलिटी एंड अ गुड रूल ऑफ थम वुड भी कि जी जिस फंक्शन में मेमरी एलोकेट की जाए उस फंक्शन में मेमरी फ्री भी की जाए नाव इ्स ईजिया सेट दैन डन कई दफ़ा प्रोग्राम का लॉजिक ही ऐसा होता है कि जी एलोकेशन कहीं और हो रही होती है इस्तेमाल कहीं और हो रहा होता है और मैं जब कहीं की बात कर रहा हूँ मैं फंक्शनस की बात कर रहा हूँ कि जी एक फंक्शन में हमने मेमरी एलोकेट की किसी और फंक्शन में उसको इस्तेमाल किया और कहीं और पे जाके हमने एग्जिट किया वहाँ पे हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि ये सारा जो है रेलम ये मेमोरी मैनेजमेंट में फॉल कर रहा है कि जी अब उसी फंक्शन में हम फ्री कर नहीं सकते क्योंकि ये एलोकेटेड मेमोरी हमें कहीं और चाहिए सो वी हैव टू डू सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग टू मेक श्योर दैट वेन एवर वी एलोकेट मेमरी समवेयर और दी अदर इट इज़ फ्रीड नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट टू डू विद फंक्शन कॉल्स इट ऑल्सो हैज़ टू डू विद प्रोग्राम एंडस सी लेट्स टेकोट दिस वे कि अब प्रोग्राम हमारा चल रहा है हमने कहीं पर मेमरी एलोकेट कर ली और कहीं पर आके कोई कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ पर हमने कहा प्रोग्राम को कि जी एग्ज़िट कर जाओ I mean कोई डिवाइड बाई जीरो होने लगा हमने कहा जी ये क्रैश करने से बेहतर यह है कि जी एग्ज़िट कर दो अगर आपने मेमरी फ्री किए बग़ैर एग्ज़िट कर दिया तो फिर वो मेमरी लीक हो गई और ये मेमोरी लीक रिमेंबर इज़ एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज़ या यूनिक्स वगैरह उनको नहीं पता कि जी ये मेमोरी एलोकेट जो की थी अब इसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं उनके हिसाब से तो ये मेमोरी कोई प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा है सो वेन एवर यू राइट प्रोग्राम्स नॉट ओनली इज एट के जी कोशिश करें जहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं वहाँ पर फ्री भी की जाए लेकिन प्रोग्राम एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर यू मस्ट डू सम हाउस कीपिंग एंड द हाउस कीपिंग इज़ मेक श्योर

I can safely exit. So if you've done four memory allocations, you've freed three and you've set those three pointers to null on the housekeeping or the exit routine, you can always go back and check chota a ko point isko be free wo be memory and your housekeeping is complete. So whereas we do get this considerable flexibility in doing dynamic memory management. It is also our respons responsibility for freeing all the memory that we allocated from the heap. The other side of the coin is also that if we want to dynamic memory management in our programs, then whenever you do memory allocation, to immediately check if the memory is available or not. If it is not available, provide a graceful exit in the program. Don't just crash. Okay. It is important to know that. Now, मेमरी लीक वॉज वन टाइप ऑफ सटल एरर देट कैन हैपन देर इज एन अदर वन द अदर वन इज इवन मोर डेंजरस वो है जिसको हम कहते हैं डेंगलिंग पॉइंटर यहाँ पे इसका मेमरी लीक का इन्वर्स इफेक्ट आ रहा है इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि जी एक पॉइंटर है वो किसी चंक ऑफ मेमरी को पॉइंट कर रहा था अब किसी वजह से वो वजह मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ या सिचुएशन बताने की कोशिश करता हूँ किसी वजह से वो मेमोरी डी एलोकेट हो गई है वो वापस हीप पे चली गई है और पॉइंटर के अंदर उसी चंक का स्टार्टिंग एड्रेस अभी भी पड़ा हुआ है अब क्या होगा अगर उस पॉइंटर को इस्तेमाल करके हमने मेमोरी में कुछ लिखने की कोशिश की मगर हु नोज़ समथिंग वेरी सरप्राइजिंग और स्ट्रेंज माइट हैपन वजह जब हमने मेमोरी फ्री करके वापस हीप पे डाल दी है तो हो सकता है कोई और प्रोग्राम उस मेमोरी को इस्तेमाल करने लग पड़े सो विंडोज इट सेल्फ माई स्टार्ट यूजिंग दैट मेमरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वॉट एवर प्रोग्राम यू हैव रनिंग ऑन द कंप्यूटर अदर देन योर ओन प्रोग्राम वो शायद वो मेमरी को इस्तेमाल कर रहा हो आपका प्रोग्राम जो है वो अनजाने में अपने मज़े से अपनी डगर पे चलता जा रहा है उसने उस पॉइंटर को इस्तेमाल करके कहा यहाँ पे फाइव लिख दो पता चला कि जी मशीन में से धुआं निकल गया वेल एक्चुअली धुआं नहीं निकलेगा बट इट विल स्टॉप वर्किंग Because the 5 may have been a critical memory location. How does this situation arise? What happens is, again, let us take the case of two pointers. So, we have PTR1 and PTR2, and both are pointers to integer. PTR1 ko, humne kiya by using calloc via malloc, or kuch memory have, wo heaps allocate karke. PTR1 johe, it now points to the starting point of that memory. उस मेमोरी को एक पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू इस्तेमाल करने के लिए हमने कहा कि जी पी टी आर टू को इस्तेमाल करते हैं और हमने कह दिया पी टी आर टू इज़ इक्वल टू पी टी आर वन सो अब हमने उसका स्टार्टिंग एड्रेस ले कर पी टी आर टू में डाल दिया और पी टी आर टू को इस्तेमाल करते हुए मज़े से हमने प्रोसेसिंग शुरू कर दी इन द मीन टाइम वॉट एवर हैपन हम फंक्शन से निकलने लगे तो कहा ओह हमने पी टी आर वन के साथ कुछ मेमरी एलोकेट की थी तो पी टी आर वन को तो फ्री कर दो तो हमने कहा फ्री पी टी आर वन वॉट हैपन्स जो मेमरी एलोकेट हुई थी वो तो वापस चली गई हीप के ऊपर लेकिन पी टी आर टू का क्या बना पी टी आर टू में इस वक्त वो एड्रेस पड़ा हुआ है जो पहले पी टी आर वन ने हासिल किया था अब पी टी आर टू इन अ वे पॉइंट्स टू मेमरी जो कि अब हमारे प्रोग्राम की मलकियत नहीं है इट हैज़ गॉन बैक टू द हीप इट हैज़ गॉन बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम और अगर उस मेमोरी को पढ़ना चाहें तो पढ़ ज़रूर सकते हैं इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव इट विल गिव यू वट एवर मेमरी वट एवर इंडिविजअल डेटा आइटम इज़ रिजाइडिंग एट दैट लोकेशन बट इफ़ यू वर ट्राई टू ट्राई इन राइट टू दैट लोकेशन एवरी थिंग माइ ब्रेक लूज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ये हिस्सा वो है कि यहाँ पे एक पॉइंटर है वो अब पॉइंट नल नहीं कर रहा इट इज़ पॉइंटिंग टू अ वैलिड मेमरी लोकेशन एक्सेप्ट इट वैलिड फॉर सम बॉडी एल्स इज्ज नॉट वैलिड फॉर आर प्रोग्राम We have a pointer that points nowhere. It points to a bad location. We've got a dangling pointer. We have to be careful of both of these situations: memory leaks and dangling pointers. Nonetheless, you will understand and you will agree that this is a very, very powerful technique of doing dynamic memory management. Jitni memory chahiye, utni operating system se hasil karlo, usko istemal karo. और जब नहीं चाहिए उसको वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दो वॉट हैपन्फ़ द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन योर मशीन वन आई सी ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स आई एम टॉकिंग ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर मल्टी टास्किंग दस चीज़ें चल रही होती हैं ग्यारहवा हमारा प्रोग्राम होता है सो दे वर्क वेरी एफिशेंटली जब चीज़ चाहिए रिसोर्स में से ली इस्तेमाल की और वापस दे दी एन एग्ज़ाम्पल ऑफ शेयड रिसोर्स देखें सिर्फ मेमरी की बात नहीं हो रही प्रिंटर भी तो लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर के साथ हमारा प्रोग्राम भी चाहेगा कि कुछ प्रिंट आउट ले लिया जाए शायद कोई वर्ड प्रोसेसर चल रहा है वो भी चाहे कि जी प्रिंट आउट ले लिया जाए सो वी आर ऑलरेडी शेयरिंग रिसोर्स इन दीज मशीन्स वी आर शेयरिंग द स्क्रीन वी आर शेयरिंग द की बोर्ड विद शेयरिंग द माउस वी आर शेयरिंग द रेफर मोनिटर ऑफकोर्स आर शेयरिंग द हार्ड डिस्क उस पर प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट्स भी पड़ी हुई हैं डेटा भी पड़ा हुआ है बट इन टर्म्स ऑफ डायनामिक यूज वी आर ऑल्सो शेयरिंग द मेमरी सो Our program in a way has to be a good neighbor. It has to be a good neighbor resource resource heap So remember the free part. Free is as important as doing the allocation. So, what interesting things can we do with memory allocation? Well, remember have बात uh, मैं तो कुछ लेक्चर्स पहले हमने फाइल हैंडलिंग की बात की थी वन ऑफ़ द कामनेस्ट थिंग्स दैट वी समटाइम्स नीड टू डू इज़ टू कॉपी अ फाइल उसके अंदर मैंने ये भी मेंशन किया था कि जी हार्ड डिस्क हमारी जो हैं वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेज़ हैं सो दे आर वेरी स्लो उनको एक्सेस करना बड़ा महंगा पड़ता है हम चाहते ये हैं कि जी अगर उनसे कुछ पढ़ना है या वहाँ कुछ लिखना है तो बड़ी से बड़ी चीज़ पढ़ी जाए और बड़ी से बड़ी चीज़ लिखी जाए ताकि द फ्यूएसट डिस्क रीड्स एंड डिस्क राइट्स अकर इन ऑर्डर टू डू दैट थिंक अबाउट कंबाइनिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन विद अ फाइल रीड एंड अ फाइल राइट सपोज़ मैं ये करता हूँ कि जी मैंने एक फ़ाइल कॉपी करनी है तो फाइल का साइज तो मैं इमीडिएटली देख सकता हूँ याद है कैसे देखा जाएगा भाई इनपुट फाइल को खोलें उसको एंड पे जाएँ और आप कहें टेल प्वाइंटर जो है ना उसके साथ उसका साइज़ ले लें टेल जी कर लें टेल पी कर लें तो आपको फाइल का साइज मिल जाएगा इन बाइट्स नाओ आई गो बैक टू माई फेमस हीप एंड आई से इतनी बाइट्स मुझे एलोकेट करके दे दो अगर तो मेरी कॉल सक्सेसफुल है नाव एटलीस्ट इन माई प्रोग्राम आई कैन आस्क फॉर अ सिंगल फाइल रीड ऑफ दिस साइज वॉट इट मीन इज दैट द एंटायर फाइल विल बी रेड टू मेमरी ना प्रैक्टिकली वो होता है कि नहीं होता दैट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम इश्यू मे बी द फाइल इज़ सो बेग कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम कहे कि नहीं मैं इसको बफर करूंगा वेल दैट वी डोंट नो एंड आर प्रोग्राम डजेंट नो ऑल वी नो इज़ एक हमने कमांड दी है पूरी फाइल पढ़ ली है और इसी तरीके से लिखने के लिए हम एक कमांड देते हैं और पूरी फाइल लिखी जाती है वेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इन्वाल्व इन दिस वे वी कैन बी अश्योर दैट वी डूइंग द मोस्ट एफिशेंट डिस्क एक्सेस बट बिफोर वी डू दैट वी हैव टू नो कि जी कैन वी एलोकेट दिस अमाउंट ऑफ मेमरी फ्राम द हीप सो रिमेंबर यू मस्ट चेक फॉर द नल पॉइंट रिटर्न बाय मे लॉक और कैलॉक अदरवाइज यू वुड मतलब देर इज़ अ टेस्ट टू मेक श्योर कि जी मेमरी मिली है कि नहीं मिली ना वॉट कैन यू डू एज एन एक्सरसाइज अपने प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर बैठ के आप बेश लूप लगा लें कि जी जो मे लॉक आई फाइंड इज अ लिटल इजियर क्योंकि उसको एक नंबर देना है इतनी बाइट्स मुझे एलोकेट करके दो मैं लूप लगाता हूँ कि जी पहली दफ़ा मुझे दस हज़ार बाइट्स दो अगर सक्सेसफुल है विच मीन्स के नल पॉइंटर नहीं आया मैं कहता हूँ इसको फ्री कर दो दस हज़ार के बजाय बीस हज़ार बाइट्स मुझे एलोकेट करके दो एंड आई गो बैक इन दिस लूप अगेन एंड अगेन सेंग इफ़ आई एम सक्सेसफुल फ्री द मेमरी एंड एलोकेट ट्वाइस द प्रीवियस अमाउंट आप अपने लिए क्यों नहीं ये लूप चलाते एंड टेल एस ऑन द डिस्कशन बोर्ड के जी आपके कंप्यूटर में वॉट वॉज द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेमरी दैट यू वर एबल टू एलोकेट यूजिंग अ सिंगल कॉल टू मै लॉक नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज यही काम करते हुए सपोज आपको पता चला कि जी आपने दो मेगाबाइट मेमरी जो है न वो एलोकेट कर ली है आप प्रोग्राम को रोकें दो तीन एप्लीकेशन चला लें कोई स्प्रेड शीट खोल लें कोई वर्ड प्रोसर खोल लें और वापस अपने प्रोग्राम में जाएँ और कहीं फिर से चलो और मुझे बताओ वॉट इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमरी टेल अस इफ़ यू फाइंड दैट द मेमरी साइज चेंजड you will find something interesting and that I think will prove that the heap that we talked about is actually shared at the operating system level between all of the programs that are running on that machine at that time. Few things to recap for today. Dynamic memory allocation is very, very efficient usage of computer resources as opposed to static memory allocation. The static memory allocation ka वेरी नीट क्लीन उसमें एरर्स नहीं होते नुकसान रिसोर्स वेस्ट होने का खतरा है डायनेमिक मेमरी एलोकेशन वेरी एफिशेंट इन टर्म्स ऑफ मेमरी रिसोर्स बट एडिड बैगेज के जी फ्री करना लाजमी है पॉइंटर मैनेजमेंट लाजमी है डू नाट लेट मेमरी गेट लीकड आउट ऑफ द सिस्टम डू नाट हैव अचुएशन वे यू हैव डेंगलिंग पॉइंटर्स सो There is an overhead in terms of memory management. Pisle C S 101 kender, Java ka object-oriented programming bipadenge, or languages ka you will find one of the differentiating features between Java and C is this whole basic area of memory management. Okay, this basically concludes our initial set of lectures and now we will step into something quite new but i'll let you wait for that till then khuda hafiz